नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं अपना खुद का प्यारा सा चैनल एके टेक वीडियोस। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे भाई पंजाब से हैं उनके लिए वो अपना जो ई पास उन्होंने कैसे अप्लाई करना है और उन्होंने किस तरह से अपना जो इमरजेंसी पास जो बना सकते हैं वो भी अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल में जो एक ऐप इंस्टॉल करके उससे आप अपना ई पास जनरेट कर सकते हैं, ताकि जब आप कहीं जाना चाहते हैं इमरजेंसी के लिए और आपको पता है कि इंडिया में लॉकडाउन का माहौल चल रहा है और इस संबंध में आपको मैं इस पूरा बताने वाला हूं कि आपको ये पास कैसे बनाना है। तो दोस्तों, तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं करूंगा गुजारिश, जो मेरी वीडियो चैनल चल रहा है इसके नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, आपको इसको प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में घंटी का आइकन भी दबा के आर पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है और यहाँ पर आपको एक ऐप इंस्टॉल कर लेना है जिसका नाम है कोवा पंजाब। जी हाँ, कोवा का मतलब है कोरोना वायरस अलर्ट। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, जैसे मैंने तो पहले से इंस्टॉल करके रखा है और मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों, इस तरह से आप जो कोवा ऐप खुलता है और ये सब जानकारी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं ये जानकारी आपको बताकर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और मैं सीधे मुद्दे की बात करूंगा। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो लेफ्ट साइड में जो तीन डॉट आपको दिख रहे हैं वहां पर आपको चले जाना है। और दोस्तों, वहां पर जाने के बाद यहां पर क्लिक करना है और यहां पर जो सेकंड ऑप्शन जो है आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं, सेल्फ जनरेटेड ई पास, आपको इस पर क्लिक करना है और आगे का प्रोसेस जान लेना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको अपना जो पास जारी करने के लिए आपको कुछ डिटेल अपनी फिल करनी होगी कि आपको किसके लिए ये पास चाहिए और जो जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आपको देने होंगे। जनरेट ई पास पे आप हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सेलेक्ट पास टाइप आपको सेलेक्ट करना है। आप इंटर डिस्ट्रिक्ट पंजाब, मतलब आप कहीं पंजाब के अदर डिस्ट्रिक्ट से हैं, या इंटर स्टेट ई पास फॉर मूविंग इनटू पंजाब, कि अगर आप पंजाब में आना चाहते हैं और अब किसी और स्टेट में फंसे हुए हैं और पंजाब में आना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट करनी होगी। अगर आप इंटर स्टेट ई पास फॉर मूविंग आउट ऑफ पंजाब, अगर आप पंजाब में फंसे हुए हैं और आप पंजाब से कहीं जाना चाहते हैं और किसी काम के लिए, या आप किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं, तो आपको थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे मैं आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे मैं सेकंड ऑप्शन क्लिक कर लेता हूं कि हमने जैसे पंजाब में वापस आना है तो उसके लिए मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेता हूं। वैसे तो मैं ये डमी फिल कर रहा हूं क्योंकि आपको पता चल सके कि आपने इसको कैसे अप्लाई करना है। यहां पर सेकंड ऑप्शन है जो ट्रैवल डेट, आपने कब वापस आना है, यहां पर पूरी डेट दी हुई है, यहां पर आपको कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है जब आपने वापस आना है। और यहां पर आपको अपना नेम डाल देना है और यहां पर अपनी फोटोग्राफ है जो वो आपको कैप्चर कर लेनी है, और उसके बाद रीजन ऑफ मूवमेंट यहाँ पर आपको चले जाना है और आप किस रीजन से आप आना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के आप खेती बाड़ी का काम कर सकते हैं, या अपीयरिंग इन एग्ज़ाम भोग सेरेमनी है, या डेथ कहीं हो गई है इसके लिए, या सेंसियल सर्विस है जो गवर्नमेंट टेलीकॉम या ट्रांसफर बैंक ETC इनमें से कोई सर्विस है, या मैरिज फंक्शन है, या मेडिकल इमरजेंसी सर्विस है, आप इसके लिए जाना चाहते हैं। और यहाँ पर मैं फर्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद सेलेक्ट व्हीकल टाइप, आप किस व्हीकल से आना चाहते हैं, जैसे आपके पास टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ट्रक है, बस है, ट्रॉली है, ट्रैक्टर है, पर्सनल व्हीकल है, या कंबाइन है, या टैक्सी, या मिनी बस, या अदर गुड्स व्हीकल है, तो मैं यहाँ पर टू व्हीलर पर सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ पर व्हीकल नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है जो भी आपका होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है ट्रैवलिंग फ्रॉम, आप कहाँ से ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, कौन से स्टेट से। मैं जैसे यहाँ पर जैसे मैं राजस्थान ही लिख देता हूँ, जैसे मैं कि मैं राजस्थान से आना चाहता हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से वापस आना चाहते हैं। अगर आप पंजाब में वापस आना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे यहाँ पर मैं पाली सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको वहाँ का विलेज लिखना है कि आप कौन से विलेज में रहते हैं जहाँ से आप वापस आना चाहते हैं, और उसका फुल एड्रेस नीचे लिख देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि आपने कहाँ तक आना है, किस आप मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में आना चाहते हैं पंजाब के। तो यहाँ पर नीचे वाली जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट पंजाब के हैं, और यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं फाजिलका सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको नीचे तहसील सेलेक्ट कर लेनी कि आप कौन से तहसील में आना चाहते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर मैं फाजिलका ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर आपको अपना विलेज लिख देना है जहाँ पर आपने आना है, और यहाँ पर पूरा एड्रेस लिखकर यहाँ पर सबमिट एंड अप्लाई ई पास पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके पास 10 मिनट के करीब लगते हैं, और आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाता है जहाँ पर एक लिंक दिया होता है। आप उस लिंक पे जब क्लिक करते हैं तो आप अपना ई पास जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपने जो इस कर्फ्यू के माहौल में आपने जो कैसे जो ई पास बनवाना है या अपने आप बना सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।